तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के अंग्रेजी के पूरे पेपर को देखने वाले हैं और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों उसके पूरे सॉल्यूशन को भी आज हम यहाँ से समझने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको ए टू जेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा के अंग्रेजी विषय के पूरे पेपर को समझ लिया। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा के अंग्रेजी के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा अंग्रेजी का पेपर आपका कुछ इस प्रकार का परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएगा, आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे प्रकार से पूरा इसको समझ लें। टोटली आपके पेपर में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा आपका पेपर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा के आपके अंग्रेजी के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि आपको पूरा पेपर अच्छे प्रकार से पूरा समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा पेपर, आप लोग पढ़ लें इसको। आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखो आपका ये 1×10 अंक में आपसे पूछा जाएगा पूरा का पूरा पैसेज, ये वंस अपॉन ए टाइम, ये पूरा का पूरा इस प्रकार का पैसेज है आपका। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर में पैसेज किस प्रकार से पूछा गया है। तो देखो इस प्रकार का पूरा पैसेज आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी लें। अब इसमें पहला क्वेश्चन, वाई वेयर द गीज किंग ऑन विजिटिंग द लेक ऑफ बनारस। तो देखो इसका राइट आंसर होगा, दे वेयर इनवाइटेड पर्सनली बाय किंग भरपुत्रा। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं, वाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर। तो देखो दूसरे का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट ए गोल्डन गूज एक्साइटेड। तो ये राइट आंसर होगा। तीसरा पढ़ते हैं, वाई डिड द हेड हंटर रिलीज द किंग गोल्डन गूज। तो देखो तीसरे का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा, ही वाज इम्प्रेस्ड बाय द हिज विजडम एंड द नोबिलिटी। देखो तीसरे का राइट आंसर ये आ जाएगा, व्हाट वाज द किंग्स इंटेंशन बिहाइंड बिल्डिंग ए लेक। तो देखो चौथे का राइट आंसर ये होगा, टू अट्रैक्ट ऑल रेयर स्पीसीज ऑफ द लिविंग एनिमल एंड बर्ड। देखो चौथे का राइट आंसर आपका यह आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, व्हाई डिड द ब्लॉक ऑफ द गीस पैनिक एंड द ट्रीटेड द माउंटेन चितिकट्टा। देखो पांचवे का जो राइट आंसर आपका होगा ना, इसका राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, ये देयर किंग द गोल्डन गूज वाज कैप्चर्ड। तो देखो पांचवे का राइट आंसर आपका बी होगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर गिव टू द किंग। तो देखो छठे का जो राइट आंसर आपका आएगा ना वो सी आ जाएगा, टू बिल्ड ए लेक इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द गोल्डन गूज, इसका राइट आंसर होगा। तो छठे का राइट आंसर यहाँ से देख ले आप सब लोग। सातवां क्वेश्चन, देखो सातवें का राइट आंसर आपका डी आ जाएगा, ओनली 2 and 3। उसके बाद में आठवां क्वेश्चन, एक्सक्लूड। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एक्सपेंसिव। तो देखो इसका राइट आंसर यहाँ से देख ले, एक्सपेंसिव इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को भी देख लो। प्रश्न नंबर 9 जो लिखा, स्नेयर, स्नेयर का राइट आंसर आपका ट्रेप आ जाएगा। 10 को देखे डिजर्ट, तो देखो डिजर्ट का राइट आंसर आपका आ जाएगा एबेंडन। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इनको देख लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं जिसमें कि आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। अब देखो नोट मेकिंग किस प्रकार से बनाते हैं, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और इसको सीख भी लें। देखो नोट मेकिंग इस प्रकार से बनाई जाती है, और वैसे अगर आपको ये बनाना नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक है, उस वीडियो को देखकर आप लोग इसको बनाना सीख लो, ठीक है ना। टाइटल इस प्रकार से आपको दे देना है और उसके बाद में देखो नोट्स इस प्रकार से आपको बनाकर आने, बड़े ही सुंदर तरीके से, ठीक है ना। तो इसको देख लो यहाँ से। अब उसके बाद में देखो सेक्शन बी को देखते हैं। तो देखो सेक्शन बी में क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप सब लोग पढ़ लें इनको। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, डिजाइन ए सुइटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिक इन ए लोकल न्यूज़पेपर। तो देखो यहाँ से आपको क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है आपको फॉर सेल के लिए। तो चलो इसको बनाकर देखते हैं किस प्रकार से बनेगा ये। तो देखो फॉर सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट आपको इस प्रकार से पूरा बना देना है। इस प्रकार से अगर आप लोग बनाकर आओगे ना तो पूरे नंबर दिए जाएंगे आपको इसके। तो आप सब लोग इसको इस प्रकार से बनाना सीख ले पूरा अच्छे प्रकार से। अब उसके बाद में देखो इसके एटॉमिक क्या क्वेश्चन पूछा गया, यू आर विकास द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ यूर स्कूल, यू प्लान टू ऑर्गेनाइज ए एजुकेशन टूर इन मांडू ड्यूरिंग विंटर वोकेशन, राइट ए नोटिस टू इनविटिंग द स्टूडेंट हु इंटरेस्टेड द ज्वाइन द टूर। तो देखो आपको तीसरे का अतवाला क्वेश्चन को देख लो यहाँ से। देखो इसका उत्तर ये आ जाएगा, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा इसको पूरा
और इसको पूरा इसको समझ भी लो। तो देखो तीसरे का वाला क्वेश्चन ये मैंने आपको बता दिया पूरा, इसको देख ले आप सब लोग। और इसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन, यू आर मनीष नेमा रेसिडिंग, तो आप सबको ये क्या करना है, हॉस्पिटल में मूलभूत सुविधाओं की कमी के लिए आपको एक पत्र लिखना है। किसको लिखना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो देखो कॉलोनी, राइट लेटर टू कलेक्टर, तो देखो कलेक्टर को लिखना है ये पत्र, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया। चलो मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। देखो इसका राइट आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। तो देखो इस प्रकार से पूरा का पूरा आपका ये लेटर मैंने आपको बता दिया, ये आप लोग इस प्रकार से इसको पूरा कंप्लीट कर लो। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया, यू आर गरिमा सक्सेना रेसिडिंग इन 158 सिविल लाइन्स गुना, राइट ए लेटर टू यूर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू बर्थडे पार्टी। तो देखो बर्थडे पार्टी में अपने किसी मित्र को बुलाने के लिए इसमें आपको पत्र लिखना है। तो देखो इस पत्र को लिखना आप लोग इस प्रकार से सीख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा पत्र यहाँ पर आपको ये बताया गया है, तो आप लोग इस प्रकार से इसको लिखना सीख लें। अब उसके बाद में देखो इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 को। देखो 5 में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड में, आपको ये लिखना पूरा। देखो इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको लिख देना, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। देखो प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं, देखो 5 का राइट आंसर आपके इस प्रकार से आ जाएगा, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो और पूरा इसको समझ भी लो। और 5 के अथवा में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो आप सब लोग इसको भी देख लो और पूरा समझ लो यहाँ तक का। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 6 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है, अंजना इज MLA, तो देखो इसमें आपका एन आ जाएगा। सुदेश प्रिपर कॉपी देन टी, तो देखो इसमें आपको देन लिख देना है। हैव यू कंप्लेन अगेंस्ट हिम, तो देखो इसमें आपको एन ही लिख देना है। अगला क्वेश्चन, सी यूजुअली टू माई हाउस इन द इवनिंग, तो देखो इसमें आपको कम से लिख देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, दिस इज द बॉय नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड, तो देखो इसमें आपको मुझ लिख देना है। छठा क्वेश्चन, देट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो देखो इसमें आपका आल आ जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लो और पूरा का पूरा इनको समझ भी लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो इन क्वेश्चंस को देख लो। प्रश्न नंबर 7 में आपसे इस प्रकार के डू एज डायरेक्टेड आपसे पूछे गए हैं, तो चलो जल्दी से मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो 7 में जो क्वेश्चन दिए गए उनके उत्तर ये लिखे हैं, आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। तो देखो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चंस को देख लो और इनके आंसर को भी आप लोग समझ लो अच्छे प्रकार से। अब 7 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं। तो देखो 8 में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखो प्रश्न नंबर 8 में इस प्रकार का आपको पूरा पेजेस दिया गया है, इस पेजेस को आपको पढ़ना है और फिर इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, हू वाज कवर्ड द विद द रेड थ्रोट, तो देखो द ग्रैंड मदर इसका राइट आंसर होगा। व्हाई डिड द बर्ड नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स, तो देखो इसका राइट आंसर पहले का राइट आंसर बी हो जाएगा, दूसरे का आपका बी होगा और तीसरे का आपका सी आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चंस को समझते हैं। देखो चौथे का राइट आंसर भी आपका बी होगा और पांचवे का राइट आंसर भी आपका बी होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 को देख लो, 9 का ए वाला भाग है ये। अब इसमें पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द लेबनम ट्री आफ्टर द गोल्ड फिंच फ्लाई अवे, देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा सबसाइड टू इम्पटी, ठीक है ना, इसी में से मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट, तो देखो पोएम है अपनी लेबनम ट्री और पोएट है टेग हक्स। उसके बाद में, हूँ इज़ द इंजन ऑफ द हर फैमिली, तो देखो इसका राइट आंसर होगा गोल्ड फिंच। इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और ये 9 का बी वाला भाग है। अब इसमें पहला क्वेश्चन, हूँ वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो देखो हॉर्स के ऊपर कौन बैठा है, बोट ए एंड बी। उसके बाद में, फ्रॉम विच लेसन हैज बीन टेकन बाय, कहाँ से लिया गया, तो देखो उसको लिया गया द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स से, तो देखो इसका राइट आंसर सी आ जाएगा। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 3, इच विच लैंग्वेज डिड मोराद स्पीक, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा आर्मेनियम। उसके बाद में, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्यूटी, देखो इसका ब्यूटीफुल का नाउन फॉर्म आपको बताना, तो यह आ जाएगा आपका ब्यूटी। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम प्रश्न नंबर 10 के सभी उत्तरों को देखेंगे। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग प्रश्न नंबर 10 के सभी उत्तरों को नोट कर लो। देखो प्रश्न नंबर 10 में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो 10 के पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है और उसके बाद में देखो दूसरे का उत्तर ये दिया गया है, तीसरे का उत्तर ये लिखा है और चौथे का उत्तर ये दिया गया है, पाँचवे का उत्तर ये लिखा है और उसके बाद में देखो छठे का उत्तर ये आपको दिया गया है। अब उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 11 को पढ़ लें। प्रश्न नंबर 11 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलो अब हम इन सभी के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 11 के पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है और उसके बाद में देखो दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है,
तीसरे का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है और चौथे का उत्तर ये लिखा है। आप सब लोग इनको अच्छे प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लो और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थी प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं। देखो 12 में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखो प्रश्न नंबर 12 में पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है और उसके बाद में देखो दूसरे वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है और तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप सब लोग इसको भी पूरा कंप्लीट कर लो। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं, तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 13 को पढ़ लें। अब 13 के उत्तरों को देखते हैं, तो देखो प्रश्न नंबर 13 के पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है और उसके बाद में देखो दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, उसके बाद में देखो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो पूरा का पूरा इसको नोट कर लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं। देखो 14 में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 को देख लो आप सब लोग यहाँ से। देखो 14 के पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है और 14 के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 को पढ़ लो। देखो 15 में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, 15 में पहले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया आपको और उसी में दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है। तो आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।